नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। हमारी रसोई में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनसे हमारे कई तरह के रोगों का निवारण हो सकता है। इन्हीं में से एक है अजवाइन, जो कई रोगों में औषधि का काम करती है। अजवाइन को सबसे अच्छा माना जाता है। पित्त का नाश करने के लिए अजवाइन को हमेशा दिन में खाना चाहिए, क्योंकि दिन में हमारे शरीर का पित्त बढ़ा हुआ होता है और अजवाइन पित्त के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका सेवन रात को नहीं करना चाहिए। आयुर्वेदा के हिसाब से इसकी तासीर गर्म मानी जाती है, इसीलिए ये वायु और वायु के रोगों को भी जड़ से खत्म करती है। आइए जानते हैं इसके कुछ और फायदे। नंबर एक, अगर पेट खराब होने की शिकायत हो तो एक कप गर्म पानी के साथ अजवाइन खा ले। ऐसा करने से पेट को थोड़ा आराम मिलेगा। नंबर दो, अगर मुंह में से दुर्गंध आती है तो थोड़ी सी अजवाइन को पानी में उबालकर पीने से इस शिकायत से छुटकारा मिलेगा। नंबर तीन, अगर आपको जुकाम से नाक बंद होने की समस्या है तो अजवाइन को दरदरा कूट ले, फिर इसे एक कपड़े में बांध कर सूंघे। ऐसा करने से बंद नाक में आराम मिलेगा। नंबर चार, अगर पेट में कीड़े होने की शिकायत हो तो काले नमक के साथ अजवाइन का सेवन करें। नंबर पाँच, अगर आप गठिया या फिर जोड़ों के दर्द से परेशान है तो अजवाइन के तेल से मालिश करें, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। नंबर छः, अगर किसी की शराब पीने की लत को छुड़वाना है तो उसे हर दो घंटे में चुटकी भर अजवाइन खिलाते रहे, धीरे धीरे शराब पीने की लत दूर हो जाएगी। नंबर सात, अगर आप खांसी से परेशान है तो अजवाइन के चूर्ण में थोड़ा सा अदरक मिलाकर खाने से खांसी में राहत मिलती है। ऐसा करने से गले के दर्द में भी आराम मिलता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त तक पहुँचाएं, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।